मंडी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते मंडी जिला में रुके हुए दूसरे प्रदेशों के लोगों को उनके राज्य वापसी में मदद के लिए जिला के 11 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी श्रवण मांटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो इन लोगों की वापसी में सहायता करेंगे। इनके मोबाइल नंबर भी जनता से साझे किए जा रहे हैं जिन पर संबंधित राज्य के लोग वापस लौटने को लेकर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी इससे लेकर पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, संबंधित राज्य से हरी झंडी मिलने पर भेजने को भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अपने राज्य लौटने के इच्छुक लोग संबंधित प्रदेश के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। श्रवण मांटा ने कहा कि मंडी जिला में अब विकास कार्य शुरू हो चुके हैं तो लोगों की दिहाड़ी की चिंता अब खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग यहाँ रहना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों के काफी लोग हिमाचल में फंसे हैं। सबसे पहले तो मेरी उनसे ये अपील है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा यहाँ दी जाएगी। जिस काम में वो पहले लगे थे वे सारे कार्य ऑलमोस्ट हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि हमने डिपार्टमेंट्स के करीब 1000 के ऊपर काम जो है मंडी जिला में शुरू हो गए हैं। उसी तरह फोर लेन का कार्य शुरू हो गया है, गांव में छोटे बड़े दूसरे और नरेगा के कार्य शुरू हो गए हैं, प्राइवेट घरों के कार्य शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहली मेरी अपील सभी से यही रहेगी कि कृपया आप जहां हैं वहीं रहें, आपको काम यहां पे मिल जाएगा, दिहाड़ी यहां पे मिल जाएगी। और अन्य अगर और भी कोई आपकी कोई डिमांड है, आपको खाने की कमी है, किसी और चीज की कमी है, उसको भी जो है प्रशासन आपकी पूरी करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति फिर भी अपने प्रदेश को जाना चाहता है, इसके लिए मंडी जिला में हमने अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग हमारे नोडल ऑफिसर्स जो नियुक्त किए हैं, उनके फोन नंबर ईमेल नंबर्स जो है हमने जो है सर्कुलेट कर दिए हैं, जो अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक आ जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य जाना चाहता है तो सबसे पहले वो इन नोडल अधिकारियों से संपर्क करें और ये नोडल अधिकारी पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे कि किस राज्य के कितने लोग हैं जो वापिस जाना चाहते हैं, और उसके बाद हम कंसर्न जिस स्टेट में ये लोग जाना चाहते हैं उस राज्य से ये बात जो है उठाएंगे और उनकी अनुमति आने के उपरांत ही हम लोगों को जो है यहाँ से भेज पाएंगे। तो कृपया आप अपने स्तर पे जो है जाने की तैयारियां ना करें जब तक कि आपका राज्य आपको वहां से अनुमति जो है आपकी वापसी की नहीं देता। तो ये गुजारिश है कि आप नोडल ऑफिसर के माध्यम से जो है उनके संपर्क में रहिए। तो जैसे ही कंसर्न स्टेट से हमें जो है आदेश मिलता है कि आप लोगों को भेजना है, तो हम आपके जाने की जो है जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण करेंगे।